Please subscribe to my channel Blushwork and press the bell icon and never miss any update. Hey everyone, this is Barkha here और आज हम create करने वाले हैं ये बहुत ही simple everyday summer makeup look जो कि waterproof भी है और sweatproof भी है. अगर आप जानना चाहते हैं कि हमने ये waterproof और sweatproof makeup कैसे create किया है जो कि बहुत ज़्यादा easy है, तो इस video को पूरा देखें और अगर अच्छा लगे तो इसे like ज़रूर करें. Let's get started. सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र अपने फेस को वॉश करने के बाद. याद रखिए, चाहे समर्स हों चाहे विंटर्स हों, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र आप ज़रूर अप्लाई करें अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, और ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप ना करें. फिर हम एक अंडर आई क्रीम लेंगे और उसे अप्लाई करेंगे और उससे अपनी आईलिड्स भी प्राइम करेंगे. याद रखिए, अंडर आई क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है समर्स में, ताकि आप जो भी मेकअप कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी क्रीजिंग ना आए. हमने यहाँ बायोटिक की अंडर आई जेल ली है. फिर हम एक अच्छा लिप बाम लेंगे और उससे अपने लिप्स भी मॉइस्चराइज करेंगे. याद रखिए, अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है. फिर हम एक प्राइमर लेंगे और जितना हो सके आप एक स्प्रे प्राइमर लें और उससे अपने फेस पे अप्लाई करें. जेल बेस्ड प्राइमर ना लें, जिससे स्वेटिंग का डर ना रहे. फिर हम एक बीबी या सीसी क्रीम लेंगे. हमने यहाँ स्टेक हुआ की सीसी क्रीम ली हुई है. और फाउंडेशन आप ना ही यूज़ करें विद समर्स में एवरीडे मेकअप में, क्योंकि वो ज़्यादा हैवी होता है, फुल कवरेज होता है और स्वेटिंग का भी डर उससे होता है. तो एक सीसी या बीबी क्रीम आपका काम कर सकती है. थोड़े बहुत अगर आपके स्पॉट्स विजिबल भी हैं तो कोई बात नहीं. डेली वेयर में कोई भी फुल कवरेज पसंद नहीं करता है. ये सीसी बीबी क्रीम बहुत लाइट होती हैं और ये जो स्टिक वर्क की सीसी क्रीम है ये वाटर बेस्ड है, तो ये ऑयली स्किन के लिए परफेक्ट है. अब हम एक कंसीलर लेंगे और हम यहाँ पे एक लिक्विड बेस्ड कंसीलर ले रहे हैं. ये भी वेट एंड वाइल्ड का है और क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते समर्स में, क्योंकि हमारी स्किन ऑयली है. आप भी अगर अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और स्वेट प्रूफ बनाना चाहते हैं तो आप भी वाटर बेस्ड प्रोडक्ट ही लें, लिक्विड कंसीलर ही यूज़ करें. और ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है. अगर आप के थोड़े बहुत स्पॉट्स आप हाइड करना चाहते हैं, अपनी अंडर आइज़ को ब्राइटन अप करना चाहते हैं, तो आप कंसीलर यूज़ करें, वरना ये आप स्किप भी कर सकते हैं. फिर अपने सारे बेस मेकअप को सेट करने के लिए एक लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर आप ज़रूर अप्लाई करें, ताकि जिससे आपका मेकअप जो है इधर उधर ना हो और एक जगह पे सेट रहे, और इससे क्रीजिंग भी नहीं होती है अंडर आईज़ पे, और ये आपके मेकअप को बहुत अच्छे से सेट रखता है. जो भी शाइन होती है आपके फेस से इससे चली जाती है. समर्स में बहुत ज़रूरी होता है कि आप लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर या प्रेस्ड पाउडर ज़रूर अप्लाई करें. अपनी आईज़ पे भी हम ज़रूर इसको अप्लाई करेंगे. फिर हम अपनी आईब्रोज़ को थोड़ा शेप देंगे एक आईब्रो पेंसिल से. आप कोई भी डार्क कलर का आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं. और बस हम इसको शेप नहीं देंगे ज़्यादा, सिर्फ इसको जो भी गैप्स हैं उन्हें फिल करेंगे. जो पाउडर्स होते हैं वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, तो आप चाहें तो कोई भी डार्क कलर का पाउडर यूज़ कर सकते हैं. फिर हम थोड़ा सा आई शेडो अप्लाई करेंगे. अगर आप चाहें तो आप ये स्टेप भी स्किप कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ आई शेडो अप्लाई करें, लेकिन हमें थोड़ी डेप्थ और वार्म्थ देना अच्छा लगता है अपनी आईज़ में, इसलिए हम सबसे पहले एक लाइट कलर लेंगे, उसको अपने ट्रांजिशन कलर बनाएंगे और अपनी क्रीज़ पर और पूरी आईलिड पे प्लेस करेंगे. क्रीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे. और फिर ये वाला एक डार्क शेड लेंगे, इसको अपने आउटर वी पे और थोड़ा सा क्रीज़ के अंदर लेंगे, ताकि थोड़ी सी डेप्थ आए आईज़ में. फिर हम एक आईलाइनर लेंगे. आप जेल आईलाइनर या
स्केच आईलाइनर या लिक्विड आईलाइनर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखें कि अगर आप स्केच आईलाइनर और लिक्विड आईलाइनर ले रहे हैं तो वो वाटरप्रूफ हो, वरना वो स्मज हो जाएंगे। समर्स में स्वेटिंग होगी और गर्मी का टाइम होगा, तो जहाँ तक हो सके एक जेल आईलाइनर ले आप, ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मैट होते हैं, स्मज प्रूफ होते हैं। तो एक जेल आईलाइनर हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, फिर हम काजल अप्लाई करेंगे, और ये भी आप वाटरप्रूफ काजल लें, और इसको आप किस भी तरह अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ अपनी वाटर लाइन पे, चाहे तो अपनी लैश लाइन पे भी। हमको लैश लाइन पे अप्लाई करना अच्छा लगता है, इसलिए हम लैश लाइन पे भी अप्लाई करेंगे। और इसको स्मज प्रूफ कैसे बनाना है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप एक वाटरप्रूफ काजल लें, उसे अप्लाई करें, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम टाइट लाइन भी करेंगे अपनी आईलिड्स को। जैसे अभी हमने अपनी वाटर लाइन को पे काजल लगाया है, वैसे हम अपनी अपर वाटर लाइन पे भी काजल लगाएंगे ताकि कोई भी खाली स्पेस ना दिखे। और अब हम इसको स्मज प्रूफ करने के लिए इस काजल के चारों तरफ फिर से पाउडर अप्लाई करेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने काजल को पूरी तरह से वाटरप्रूफ और स्मज प्रूफ कैसे बनाएं, तो एक उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखें वो वीडियो। अब हम एक लिक्विड हाइलाइटर लेंगे और उस पर जहाँ पे भी हम अपने फेस पे ग्लो चाहते हैं वहाँ अप्लाई करेंगे, जो भी हमारे फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स हैं। आप चाहें तो हाइलाइटर स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हमको फेस पे ग्लो अच्छा लगता है इसलिए हम ये अप्लाई कर रहे हैं। क्रीम या पाउडर बेस्ड हाइलाइटर ना यूज़ करें, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग और स्वेट प्रूफ नहीं होंगे। एक लिक्विड हाइलाइटर ही लॉन्ग लास्टिंग और स्वेट प्रूफ होता है, तो आप एक लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करें। फिर हम एक डार्क कलर का आई शेडो लेंगे और उससे अपने फेस पे कॉन्टोरिंग करेंगे, थोड़ी सी डेप्थ लाएंगे, क्योंकि ब्लशर वगैरह नहीं अप्लाई करते हैं एवरीडे पे। अगर आप चाहें तो आप ब्लश अप्लाई कर सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे हल्की से कॉन्टोरिंग करेंगे, सिर्फ अपने फेस पे थोड़ी वार्म्थ और डेप्थ लाने के लिए। आप चाहें तो ब्रॉन्जर अप्लाई कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके जो एवरीडे मेकअप लुक होता है वो बिल्कुल आपके चॉइसेस पे डिपेंड करता है। बस ये है कि आप जो भी चूज़ करें प्रोडक्ट, वो वाटरप्रूफ हो और पाउडर बेस्ड हो या लिक्विड वाटर बेस्ड हो। अब हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी हम लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो लिक्विड लिपस्टिक्स होती हैं ये सुपर मैट होती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ होती हैं। तो पूरे दिन आप कहीं भी रहें, कुछ भी काम करें, ये आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। और अगर थोड़ा बहुत फेड हो भी जाती हैं तो आप इनको रीअप्लाई करके फिर अपने लुक को पहले की तरह फ्रेश कर सकते हैं। अब हम एक वाटरप्रूफ मस्कारा अप्लाई करेंगे, और जितना भी आपका ये आई मेकअप है आप ध्यान रखें कि ये वाटरप्रूफ हो, तभी ये पूरे दिन टिकेगा, वरना आपकी आईज़ एकदम खाली हो जाएंगी और सब कुछ फैल जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप आईलैशेस भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप आईलैशेस अप्लाई करें, सिर्फ मस्कारा ही काफ़ी होता है, लेकिन हमको आईलैशेस अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम एकदम सिंपल फेक आईलैशेस अप्लाई करेंगे। अब हम अपने इस पूरे मेकअप को सेट करेंगे एक सेटिंग स्प्रे से। आप ये स्टेप बिल्कुल भी स्किप ना करें, ना ही प्राइमर का स्टेप और ना ही ये स्टेप ज़रूर आप करें, ताकि आपका जो भी आप मेकअप करें, चाहे आपने कितना ही मिनिमल मेकअप क्यों ना किया हो, लेकिन उसको सेट रखना बहुत ज़रूरी होता है, और ये बहुत लंबे समय तक आपके मेकअप को टिकाए रखेगा। तो ये रहा हमारा कंप्लीट स्वेट प्रूफ वाटर प्रूफ एवरीडे समर मेकअप लुक, और ये बहुत ही इजी है, 5 मिनट में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बस ये सारे स्टेप्स जो हमने बताए हैं वो ध्यान रखें, तो आपका ये मेकअप पूरे दिन चलेगा और इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।